ये रास्ता आपने हमें दिखाया है, अब इस पर आपको हमारे साथ चलना होगा। बरसों से टूटा था, एक ही पल में भव्य ने उसे एक कर दिया। शौर्या जी के मन में घर के अंदर जाने का विश्वास जगाया उसने। सालों से बिखरे हुए परिवार को एक करके इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाया उसने। पर सच्चाई तो यह है कि भव्य को अपने ससुराल जाकर बहू होने का कर्तव्य वहां निभाना होगा, क्योंकि वहां सब उसका इंतजार कर रहे हैं। इस हवेली पर तो सिर्फ हमारा अधिकार है। इससे पहले की बात और आगे बढ़े, कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो, हमें सबको सच्चाई बतानी होगी। आज तो मैं सबसे चुप छुपाकर पीछे के रास्ते से कमरे में चला आया, सबके सवालों को टाल गया, पर ये तो कोई हल नहीं। कल सुबह जब लोग मुझे यहाँ पाएंगे तब उनके सपन पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या कहूंगा उनसे, क्या जवाब दूंगा। अरे ओ अनादि, माँ तू सोई नहीं अब तक? तू घर के बाहर था, कोई खैर खबर भी न थी, मुझे नींद कैसे आती? हाँ तू आया कब, बताया क्यों नहीं मुझे? तेरे इंतजार में मैं मरी जा रही हूँ। माँ मैं छोटा नहीं रहा। छोटा हो या बड़ा, जब बेटा घर से बाहर जावे तो माँ की नींद साथ ले जावे। जब तक वो वापस नहीं आवे माँ को नींद कैसे आए? खैर छोड़, ये बता मेरी बहू कैसी है? रास्ते में कोई परेशानी तो न हुई ना उसे? और उसके घर पर सब कैसे? माँ सब ठीक है। कहाँ जा रहे तू? मेरी नींद का समय चला गया है, कुछ देर बातें करना मेरे साथ, चलना बैठते। एक बात कहूँ, जब से तू बहू को लेकर गया है ना, राम कसम चैन नहीं आ रहा है मुझे, बस उसी के बारे में सोचती जा रही हूँ। कैसे होगी मेरी बहू, रास्ते में परेशानी हुई होगी कि नहीं, कुछ खाया उसने, गर्मी भी कितनी है और बहू है कितनी नाजुक मेरी। एक बात बता, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, जवाब क्यों नहीं दिया? माँ वो बस में था ना, मैं पता नहीं चला। बहुत गुस्सा आया था मुझे, सोचा था तू वापस आएगा, बहुत कूटूंगी तुझे, फिर तुझे देखा, बहू के बारे में सुना, गुस्सा गायब हो गया। रास्ते में क्या बातें की तुम लोगों ने, मेरी शिकायत कर रही थी वो? माँ कुछ होता तो बोलता ना मैं। तू तो जानती है ना बातों के लिए तुझे हमेशा टोका है मैंने। बस बस जानती हूँ, मैं भी पागल हूँ, बहू के बारे में बातें किए जा रही हूँ, वहां बिचारी को हिचकी आती होगी। माँ मुझे नींद आ रही है। हाँ जा सो जा, फिर कल सुबह तुझे जाना भी है। कहाँ? बहू को लाने। माँ आज तो छोड़ के आया हूँ उसे। ओ सुन छोरे, पग फेरे की रस्म होनी थी सो हो गई, अब शादी के बाद छोरी का घर अपने ससुराल में होता है, समझा? बहू के बिना ये घर मुझे काटने को आता है, और सिर्फ मेरी ये हालत नहीं है, घर में सभी की यही हालत है। नैना को बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने आज, और तेरे बापू गले के नीचे दो कोर नहीं गए हैं उनकी बहू के बिना।
और खुद तेरा चेहरा देख कैसा उतरा हुआ है। अगर तेरे ससुराल वाले कुछ कहे तो मुझसे फोन पर बात करवा देना, लेकिन कल शाम होने से पहले मुझे अपनी बहू घर में चाहिए। जा सो जा। कहां से लाऊं तेरी बहू मां, जिसे तू अपनी बहू समझ रही है वो तो अपने ससुराल पहुंच गई, और भवरी जो इस घर की बहू है पता नहीं कब लौटेगी। आप दोनों पहली बार इस हवेली में पति और पत्नी की तरह प्रवेश कर रहे हैं, कम से कम हमें एक सास होने का कर्तव्य तो निभाने दीजिए। केसर, वो आरती की थाली ले आइए, हमें इन दोनों का गृह प्रवेश करना है। राजपूती परंपरा से इस घर में प्रवेश कीजिए। नहीं, हमें ये पाप होने से रोकना होगा। हमारे यहाँ होते हुए हम भवरी को ये पाप करने नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि वो सच बताना चाहती है, और शायद इस सच को सबके सामने लाने में हमें उसकी मदद करनी होगी। गृह प्रवेश इस हवेली के असली बहू के हाथों हो, इससे मैं सबकी भलाई है। चलिए सांची, गृह प्रवेश कीजिए। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको गृह प्रवेश करना ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसी रस्मों से हम भगवान को खुश करते हैं, और भगवान हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं और हमेशा हमारी मदद भी करते हैं। जी बेटा, और हमारे इस घर में तो आपके रूप में खुशियां पहले ही प्रवेश कर चुकी हैं। क्या हम सबकी खुशी के लिए आप इतना भी नहीं करेंगे बेटा? हाँ भाभी, आपको भैया के साथ इस घर की दहलीज को पार करके इस घर में फॉर्मल एंट्री करनी ही होगी। चलिए सांचे, देखिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सप्त पदे ब्रवी
ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप? इस हवेली में पूरे 3 साल के बाद रोशनी लौटी है। हमने आज शौर्य की आंखों में आपको ठेस पहुंचाने का अफसोस देखा है, आपका आशीर्वाद ना मिल पाने का दुख देखा है। हमारी बात मानिए, शौर्य को माफ कर दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? करते हैं आप शौर्य से, अकेले में अंधेरे में बैठकर उनकी तस्वीर देखकर आंसू बहा रहे हैं, तो माफ क्यों नहीं कर सकते? सबके सामने उन्हें माफ करके 2 पलों के फासले को पार करके उन्हें गले क्यों नहीं लगा सकते? भूल क्यों नहीं जाते? सबकी खुशी के लिए सही। इस परिवार के मुखिया हैं हम, अपने परिवार की खुशी देखना कर्तव्य है हमारा। आज हमने शौर्य को इस घर में आने दिया है, अब सब की खुशी के लिए हमने ये कदम उठाकर अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन शौर्य को माफ करना सिर्फ हमारा अधिकार है और हमने अब तक उसे माफ नहीं किया है। जाइए, जाकर अपने बेटे के साथ खुशियां मनाइए। आप, हम अपने अधिकार और ठेस के साथ अकेला रहना चाहते हैं। जाइए। इस हवेली के हालात सुलझ जाए ये हमें कतई मंजूर नहीं है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इस घर की बागडोर हमारे हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है हमें। इस घर में हमारी अहमियत कम हो ये हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आज पहली बार पिताजी ने हमें उन्हें अकेला छोड़ देने को कहा। बेटा क्या आ गया? बेटी का सारा किया धरा भुला दिया उन्होंने? सुन रहे हैं ना आप? हाँ जा, वो तो है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब तक माता जी महाराज, तो आप यू हमारे साथ अन्याय होने देंगे? ससुर साखा भी आशीर्वाद हमने पांव छूकर नहीं, उनके पैरों की धूल को अपने माथे से लगाना पड़ा। और आज भी सासू मासा को प्रणाम करने का सौभाग्य आपने हमसे छीन लिया। इतने कि हर किसी के भाग्य में सुख और दुख तयशुदा हिस्से में आते, हमारे हिस्से के सारे सुख हमारे पति और हमारे ससुराल की तरह आपने हमारी बहेली के भाग्य में रख दिए। बताइए हमें, आज आपको हमें बताना ही होगा क्योंकि आपके हमारी किस्मत में लिखा क्या है। Thank you.
हेलो माफ कीजिएगा, इतनी रात को फोन किया मैंने। अब माफी क्यों मांग रहा है अपनी बिंदड़ी से? हाँ, पराई थोड़ी है, पूरा अधिकार है, जब चाहे तू बात कर सकता है। अब जरूरी बात करना। क्या हुआ नाथी जी? जी वो नैना। नैना क्या हुआ नैना को? वो ठीक तो है ना? अरे बोलना नैना, बात करना चाहती है। आपको याद कर रही है, रो रो के बुरा हाल है उसका, सांसे फूलने की वजह से दमे का दौरा पड़ा है उसे। तो बात कराइए ना हमारी नैना से। जी बात कर अपनी चाची माँ से। चाची माँ, आप कल सुबह आ रही हो ना? मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। दादी ने कहा है आप कल शाम तक आओगे। शाम तक तो देर हो जाएगी, आप सुबह आ जाओ ना। नैना बेटा, तुम्हारी समझदार बेटी हो ना। आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हमें कभी याद नहीं करोगे। पर वो तो हमने नहीं, सबने किया था। ये सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अन्ना जी चाचा। भी बोलती है, देखिए आप बुरा मत मानिए। इसमें इतना शर्मा क्यों रहा है? हाँ नैना सच ही तो कह रही है, सबसे ज्यादा तो तेरा चेहरा उतरा हुआ है। अब फोन पे है बहू, इसलिए झूठ बोलेगा उससे? माँ बस सही तो कह रही है, वैसे भी बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, अंतर्यामी होते हैं उन्हीं की तरह। नैना ने तेरी दिल की बात पढ़ ली कि तू तेरी लुगाई से कितना प्रेम करता है। धन्यवाद मैथिली जी, नैना की तबीयत में सुधार हुआ है। आपको इतनी रात के ससुराल में फोन किया, वैसे खुश तो है ना? नहीं, बहू को देख के सब बहुत खुश हुए होंगे ना? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं, आप जैसी बहू पाकर कौन खुश नहीं होगा। जो खुद अच्छे होते दूसरे भी अच्छे ही लगते। जो महान काम आपने किया है किसी और इंसान के लिए करना नामुमकिन है। अब रात बहुत हो गई है मैथिली जी, फोन रखता हूं। किस्मत की